हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने एक्सरसाइज 10C कर ली थी। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 10D। 10D में अपन को सबसे पहले कैलेंडर के बारे में देखना है कि कैलेंडर किस तरीके से अपन को जो डेट बताता है, मंथ बताता है, इस दिन ये त्योहार है, इस दिन ये है, ये सब अपन को कैलेंडर बताता है। कैलेंडर के बिना अपन ये सब नहीं कर सकते। क्लास 3 एक्सरसाइज 10D देखो, कैलेंडर है, इसमें डेज, मंथ एंड ईयर आपको देखने हैं। डेज क्या होते हैं, मंथ क्या होते हैं, ईयर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे पहले, ये आपको सबका सब याद होना चाहिए। अगर आप ये याद कर लोगे तो आप ये क्वेश्चंस आराम से इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो, नेम ऑफ द डेज इन वीक कितने होते हैं, 7। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। नेम ऑफ द मंथ इन ईयर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में 31, 28। अब देखो, इसका अपन को कैसे, एक ट्रिक होती है इसको याद करने की। ये देखो, इधर दे रखी है, हमेशा जनवरी इधर से स्टार्ट होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ओके। अगस्त इधर से स्टार्ट होगा, अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवम्बर, दिसंबर, ठीक है। देखो, जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसमें होता है 31 डेज, इसमें होते हैं 30 डेज। एक फरवरी ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं या फिर 29 डेज होते हैं, ओके। अब देखिए, जनवरी में 31 है, हाँ 31 है, फरवरी में 28 है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सेप्टेम्बर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अगस्त, जुलाई और अगस्त में दोनों मंथ्स में क्या होता है, 31 डेज होते हैं, ये बात भी ध्यान रखना। अब क्या है, वन वीक के अंदर कितने डेज होते हैं, 7 डेज। वन मंथ के अंदर कितने वीक होते हैं, 4 वीक। वन ईयर के अंदर कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स। वन ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज। वन ईयर के अंदर कितने वीक्स होते हैं, 52 वीक प्लस 1 डे एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब देखिए, आपके कंकल टिक्स मैंने बता दी है, अब मैं आपको लीप ईयर के बारे में बताती हूँ। लीप ईयर्स में 366 डेज होते हैं और अदर जो ईयर होते हैं उसके अंदर होते हैं 365 डेज, ओके। अब देखो, एवरी फोर्थ ईयर इज लीप ईयर, कि जब आप किसी भी ईयर की, जैसे अभी कौन सा चल रहा है, 2022 चल रहा है, इसका अगर आप 4 से डिवाइड करो और ये अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। इन अ लीप ईयर फरवरी हैज 29 डेज, कि लीप ईयर में ही फरवरी एक ऐसा मंथ आता है, 4 साल, अपन बोलते हैं 4 साल के बाद फरवरी कितने डेज का होगा, 4 ईयर्स के बाद फरवरी कितने डेज का होगा, 29 डेज का, ठीक है। इफ अ ईयर कैन बी डिवाइड बाय 4, देन इट इज अ लीप ईयर, की जब जिस आप ईयर को 4 से डिवाइड करते हो और वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो कौन सा ईयर कहलाता है, लीप ईयर्स, ओके। फॉर एग्जांपल, 2016 की जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 504 आता है, सो इट इज अ लीप ईयर, तो ये क्या है, एक लीप ईयर है, ओके। अब देखिए, एक्सरसाइज 10D, पेज नंबर 105, मैच द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग। अब आप, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका होमवर्क है। रिपब्लिक डे किस दिन मनाते हो आप, 26 जनवरी, गांधी बर्थडे, इंडिपेंडेंस डे, क्रिसमस डे, टीचर्स डे, वुमेन डे और चिल्ड्रन डे, ये आपका होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे और आपको खुद को याद भी करनी है ये चीज। क्वेश्चन नंबर 2, लुक एट द कैलेंडर ऑफ द करंट ईयर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि आपको करंट ईयर देखना है, कैलेंडर देखना है करंट ईयर का, और आपको जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उन सबके आंसर देने हैं। फर्स्ट संडे इन द मंथ ऑफ जनवरी इज ऑन, ठीक है, फर्स्ट संडे कब आया था, जनवरी के मंथ के अंदर। देर आर डैश संडेज इन द मंथ ऑफ द सेप्टेम्बर, की संडे वाले दिन इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, किस मंथ, सेप्टेम्बर में सबसे पहले संडे कौन से दिन है, ठीक है। अगस्त मंथ हैज मंडे, कि अगस्त के अंदर सबसे पहले मंडे कौन सा है, कौन सी डेट को है, डी में। लास्ट संडे इन द मंथ ऑफ दिसंबर इज ऑन, कि लास्ट संडे कब है दिसंबर के, दिसंबर वाले मंथ में।
जब आपका जो करंट क्या कहते हैं वो जो दे रखा है वो कैलेंडर है उसमें आप ये सब देखना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, गांधी बर्थडे अपन कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, क्रिसमस डे 25 दिसंबर, टीचर डे 5 सितंबर, चिल्ड्रन डे 14 नवंबर और वुमेन डे 8 मार्च। ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लेना, ये मैंने करवा दिया। ओके, अब आगे कुछ है नहीं अपन का, ऐसी तरह ये क्या हो गया चैप्टर ओवर। थैंक यू।